आज में हमारा ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जितना भी हम लोग माने डोज़ तो रेड टेस्टिंग के लिए हम लोग खुला था, उसमें सब टेस्ट किया गया है, तो रिपोर्ट भी आया हुआ है आज। तो इसमें से आपका नंबर वन ट्रिम्स में 39 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। देन अशोका होटल, वो जो अशोका होटल का जो केस में है उसमें 88 किया। वो आप लोग को नहीं सोचना है कि ये जो पेड क्वारंटाइन में बैठने वाला है, ऐसा नहीं सोचना है। और मेजोरिटी ऑफ देम वो लोग है आपका जो बैंक में उस लास्ट टाइम SBI ईटानगर का ब्रांच मेन ब्रांच में पॉजिटिव हुआ था, उसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उसमें टेस्ट किया है। तो सब मिला के उसमें 88 टेस्ट किया। तो 88 में से आपका 13 पॉजिटिव मिला है। तो 13 पॉजिटिव में से वो तो 11 जो है मेनली प्राइमरी कॉन्टैक्ट का है। देन स्टेट क्वारंटाइन सेंट्रल लेकी में 17 तो टेस्ट किया, तो 2 पॉजिटिव मिला है, तो वो जो है रिपीट है, तो वो तो नया वाला चीज़ नहीं है। देन जो रूट में 2 तो टेस्ट किया है, सब निगेटिव है। देन निरजुली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 2 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। देन IMC बिल्डिंग नाहरलगुन में 14 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। देन गंगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 6 तो किया है, वो भी सब निगेटिव है। देन सिंगपुर PSC सेंटर में भी 17 किया, सब निगेटिव है। देन RK मिशन हॉस्पिटल ईटानगर में भी 69 तो टेस्ट किया, सब निगेटिव है। तो बांडोडवा गेट में 335 किया, तो उसमें 6 पॉजिटिव मिला है। तो अकॉर्डिंगली आज में जो टोटल एंटीजन टेस्ट हुआ है 589 किया, उसमें से 19 पॉजिटिव मिला है। तो 19 में से 13 तो जो हम आगे बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो प्राइमरी और ये सेकेंडरी ये तीन पड़ती है, तो जो 6 जो है वो बांडोडवा गेट से डाइवर और रिटर्निस्ट से मिला के वो ये हुआ है। ये सबको 19 को हम लोग CC जो एन लेकी में हम लोग उसको सीख किया है। तो ऐसे करके हम ये अभी तो कुमुलेटिव का भी हम बोटा दे रहा है। आज तक तो हमारा ईटानगर का कैपिटल का अंडर में टोटल जो टेस्टिंग रेट एंटीजन ट्रू नेट जितना हुआ है वो 44,009 हुआ है। तो आउट ऑफ फ्यूज RT-PCR 9,451, देन ट्रू नेट 1,616, देन रेड 32,942, तो टोटल हो गया 44,092 हो गया। तो अभी हमारा पॉजिटिव भी टोटल कुमुलेटिव पॉजिटिव भी ईटानगर कैपिटल का अंडर में ये हो के CC में जो लगने वाला वो टोटल जो है 892 हुआ है। तो टोटल क्यूमुलेटिव माने उसका क्यूर एंड डिसर्स 795 है। देन अभी टोटल एक्टिव केसेस जो है वो 97 है। तो 97 में से लेकी में 87 है, ट्रिम्स में आपका 4 है, देन CC जू में 6 है। तो हम यही थोड़ा पब्लिक को रिक्वेस्ट अपील करना चाहता है कि ईटानगर तरफ में अभी पॉजिटिव वाला तो ये लास्ट एक दो दिन में बढ़ रहा है। तो मोस्टली वो जो है आपका जो SBI ईटानगर बैंक का है, तो उसका इसलिए लोगों को हम माने इनकेस वो बैंक से ये खुलने से भी आप लोग उसमें अभी माने ये नहीं जानना है कि अपना आपको सावधान रह के रहना है। तो उसका साथ में जो आज में LHBN पॉजिटिव ये मिला हुआ है वो भी उस पास का ये रोड का सामने में अपार्टमेंट में बैठा हुआ है, तो वो अपार्टमेंट को भी हम कंटेनमेंट डिक्लेयर करने के लिए हमारा तरफ से मैंने रिकमेंडेशन कर दिया। तो एज पर SOP तो उसका हाउस को कंटेनमेंट करेंगे होने के बाद में। वो अभी तो SOP जो नया ये है 14 डेज का होता है, तो कल से ही तो शायद कंटेनमेंट तो डिक्लेयर होंगे। तो उसका डीएमओ साहब देखा गया कि स्टेट बैंक जो ब्रांच जैसे ईटानगर मेन ब्रांच है VIP रोड टीटी मार्ग में, तो आज 11 केसेस है ना सर आज? हाँ, तो 11 केसेस, और पहले लास्ट 2-3 दिन में भी काफ़ी केसेस वहाँ निकला।
हाँ, उसमें काफ़ी ये हो के 7, 8, 9 जैसे ऐसे आ गया था। से लगभग टोटल वो बैंक का जो जितना उन लोग से हम लोग को टोटल पॉजिटिव जो आज तक तो मिला है लगभग 19, 20, 21 का अंडर में है। तो अभी लोगों को सर काफ़ी खुल गया, अनलॉक हो गया हमको ईटानगर, अरुणाचल काफ़ी स्टेट खुल रहा है, तो फिर भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी लोग अपना काम में निकल रहे हैं हर जगह में। तो उसके लिए तो सब आदमी अभी तो अंडर में तो लॉकडाउन है, तो इसलिए काम भी तो करना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जितना आप लोग को SOP ये मेंटेन करने के लिए, बा ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न साइड में रूट दुकान लोग को खोलना है ये सब दिया है, तो अकॉर्डिंगली पब्लिक लोगों को मैंने लॉक्स लोग उसको समझना चाहिए। देन उसके बाद में जहाँ भी जाओ डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो और सैनिटाइजेशन ये रिपीटेडली ये होना पड़ेगा। तो डिस्टेंसिंग एंड मास्क आपका ठीक से यूज़ करने से ये आप लोग ये बीमार से बच जाएगा।